पेज नंबर 46, पेज 46, अब्दुल्ला मुझे बताएं काम उधर भी टोटल। अच्छा मोहतरमा, पेज 46 कल वाली थ्योरेटिकल डिस्कशन इंशाल्लाह भी हम रिज्यूम करते हैं। एग्जांपल वन पढ़ें जी। लेसी ने एक्वायर की है एक गाड़ी 9 मंथ्स के लिए लीज पे एट अ मंथली रेंटल ऑफ 10,000। तो दिस विल एंट्री बी पास्ड इन ईच मंथ, हर महीने ये एंट्री होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और ये लीज लेस देन 1 ईयर है, डेट्स वाई इसके साथ लिख लें ये कौन सी लीज होगी, शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा एग्जाम्पल टू में जो अब मैं बात करने लगा हूं, इस तरह की बात हमने कल नहीं की थी। एग्जाम्पल टू, लेसी एंड लेसर एंटर इनटू अ 5 ईयर लीज, बोथ कैन कैंसल द लीज एट एंड ऑफ एनी ईयर। लेसी और लेसर ने 5 साल की लीज की है, दोनों लीज कैंसिल कर सकते हैं किसी भी वक्त एट एंड ऑफ एनी ईयर। तो इसका मतलब यह है, यह आपको देखने में शॉर्ट टर्म नहीं लग रही क्योंकि एंटर इनटू अ लीज ऑफ, लेकिन क्योंकि इसमें दोनों कैंसिल कर सकते हैं इसलिए स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड कहां कहता है ये हमारे किताब में वैसे आपने लिखा नहीं हुआ, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि इस लीज को आपने कौन सी लीज समझ लेना है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि कोई भी साल के एंड पे जान छुड़ा सकते हैं इस लीज से। ये बात तो कल की थी जो एग्जाम्पल थ्री में है, लेसी 9 मंथ्स की लीज के लिए एंटर हुआ है, उसके पास एक परचेज ऑप्शन है, अगर परचेज ऑप्शन है तो फिर तो 9 मंथ्स के एंड पे परचेज कर लेगा, अगर परचेज कर लेगा तो दोबारा जरा सुन लें, एग्जाम्पल थ्री पढ़े, लेसी ने 9 मंथ्स की लीज में एंटर हुआ है लेकिन किसी भी वक्त परचेज कर सकता है, तो ठीक है ये लीज के एंड पे परचेज कर सकता है तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा इसको छोड़ते हैं, एग्जाम्पल फोर को, ये एग्जाम्पल फाइव खुद ही कर लीजिएगा घर में लिख लें, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। लैपटॉप ऑन 3 ईयर्स, ये कौन सी लीज बनेगी, शॉर्ट टर्म, हद हो गई, लो वैल्यूस, इट इज अ लो वैल्यूस, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। ओके और इसमें एंट्रीज वही होंगी, गया खर्च हुआ, शॉर्ट टर्म में अगर है तो कर सकते हो कोई मसला नहीं, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाए तो करते ना, कोई हरज नहीं, वैसे तो आमतौर पर साथ साथ किराया पे हो रहा था उसमें। लेसी इज इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एंड हैज फॉलोइंग लीजेस, लीज ऑफ रियल इस्टेट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग उसने लीज पे ली हुई है। भाई ये तो शॉर्ट टर्म लीज छोड़े, शॉर्ट टर्म का तो टेस्ट ही नहीं, वो पूछ रहे लो वैल्यू है या नहीं, तो जाहिर बात है बिल्डिंग तो लो वैल्यू नहीं है, तो बोथ बिल्डिंग एंड वेयर हाउस इट इज अ लो वैल्यू एसेट, नो, ऑफिस फर्नीचर कल हमने पढ़ा था इट इज अ लो वैल्यू एसेट। वो जो इधर भाई बैठे होते हैं बोल रहे होते हैं साथ साहब, वो कितने आज इसका दिल चाहता है जब छुट्टी कर लेते हैं, जाम मतलब लीज ऑफ अ कंपनी कार, कार इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट, गाड़ी सेल्स पर्सनल के लिए भी है और गाड़ी गाड़ी सेल्स पर्सनल के लिए भी है, गाड़ी सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी है, तो गाड़ी वैसे ही हमने पढ़ा था इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। ट्रक और वैन, ऑब्वियसली ट्रक और वैन तो गाड़ी के भी बाप है तो ये नॉट अ लो वैल्यू एसेट। तो लैपटॉप आईटी इक्विपमेंट इज अ लो वैल्यू एसेट। होमवर्क का सवाल हो गया, ओके चलिए जी, बड़ी दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 10 और 11 जरा, ये क्या है अब हर एक मिनट बाद आप देख रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर एक मिनट बाद ये हो रहा है। अच्छा जी कल से दरवाजा बंद कर दो। एग्जांपल 10, एक लीजिंग कंपनी है उसने लीज आउट की है एक चेयर कॉस्टिंग 30,000 फॉर 5 ईयर्स, इट्स यूजफुल लाइफ इज 6 ईयर्स, क्लासिफाई द लीज फ्रॉम लेसी व्यू पॉइंट। पहले कहते हैं किसके व्यू पॉइंट से लीज को क्लासिफाई करो, लेसी के। अच्छा क्या चेयर लो वैल्यू है, यस, हाँ शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है, 5 साल की है,
क्या शेयर लो वैल्यू है, तो फिर लेसी इस लीज को क्या कहेगा? तो फिर इसके पास चॉइस है कि सिंपल अप्रोच फॉलो करें, तो आप आरओयू लीज लाइबिलिटीज वाली एंट्रीज करें या रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। आगे लेसर के लिए कितने टेस्ट लगेंगे? 5 टेस्ट। शुरू करते हैं जी। ए, क्या पांचवें साल के एंड पे मुफ्त में चेयर मिल जानी है छठे साल के लिए? क्या पांचवें साल के एंड पे बाजार से कम कीमत पर ये चेयर खरीद सकता है कि बाकी एक साल इसको यूज कर ले? कोई ऐसी बात सवाल में नहीं लिखी हुई, परचेज ऑप्शन नहीं है सवाल। क्या लीज टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं इकोनॉमिक लाइफ से करना चाहिए था, अवेलेबल नहीं है यूजफुल लाइफ से, तो जवाब 75% से ज्यादा आ रहे हैं, तो बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने पर है। तो इट इज फॉर द लेसर। एग्जाम्पल 11, अ लीजिंग कंपनी लीज आउट अ कार। एक लीजिंग कंपनी ने एक गाड़ी लीज आउट की है एट अ कार कॉस्टिंग 3 मिलियन की फॉर 3 years, 3 साल के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार? 3 मिलियन। फॉर हाउ मेनी इयर्स? इट्स यूजफुल लाइफ इज, लीज रेंटल्स आर 5 लाख पर एनम। क्लासिफाई द लीज फ्रॉम लेसी व्यू पॉइंट एंड लेसर व्यू पॉइंट। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है? आप लोग करें क्लासिफाई लेसी के व्यू पॉइंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट, तो फिर ऐसी सूरत में इसको पुरानी अप्रोच से करेंगे। लेसी फाइनेंस से ऑपरेटिंग क्लॉज यूज नहीं करता, पुरानी अप्रोच, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब लेसर के व्यू पॉइंट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्लियर हाथों में, क्या तीसरे साल के एंड पे मुफ्त के अंदर गाड़ी मिल जाएगी लेसी को के बकाया 7 साल चलाए? क्या तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम कीमत पे ये गाड़ी खरीदने की ऑप्शन है और रीजनेबली सर्टन है कि ये खरीद भी लेगा? क्या डिवाइड करें 3 को 10 से तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहे हैं? मजबूरी में पीवी अवेलेबल नहीं है, मजबूरी में 5 लाख का रेंट है, 3 साल तक पे होना है, तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 15 लाख। मजबूरी में 15 लाख को अगर मैं 30 लाख पे डिवाइड करूं तो जवाब 50% आ रहा है, विच इज लेस देन 90। जब इसकी पीवी निकलेगी तो और ज्यादा लो हो जाएगा। तो क्या पीवी ऑफ एलपी को अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करूं तो जवाब 90% से ज्यादा आ रहे हैं? क्या सर स्पेशल नेचर के? नो। सो इफ ऑल ऑफ द आंसर्स आर नो, देन इट इज ए ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है कीप द एसेट इन एंड रिकॉर्ड रेंटल इनकम एंड डेप्रिसिएशन। हमाद खान की भी आवाज नहीं आ रही आज। अच्छा, बटन बंद करो ये ऊपर वाले सर। अच्छा, अब मोहतरम एक एतराज लोगों ने किया स्टैंडर्ड पे कि लेसी पुराने तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये भी एसेट को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, लेसर ऑपरेटिंग लीज इसको ट्रीट कर रहे हैं, ये भी डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तुम हमें बता दो कि लेसी भी एसेट डिप्रिशिएट कर रहा है, लेसर भी एसेट डिप्रिशिएट कर रहा है, तुम लोग चाहते क्या हो, किस किस को डिप्रिशिएट करवाना है? तो स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस छोड़ो, बस इसी तरह कहते हैं करो जो भी करना है। शायद यहां पे वो राइट ऑफ यूज को डिप्रिशिएट करा होता है और वो इधर पीपी को डिप्रिशिएट करा होता है, शायद ये फर्क है, बाकी तो और कोई फर्क नहीं। तो बस स्टैंडर्ड ने लोगों के ये आर्गुमेंट नहीं सुना, लोगों ने इस लीज को देख के कहा कि यार ये तुम लोगों ने क्या लूट मचाई हुई है, तुम्हारी अपनी बात चाहिए कि इधर लेसी को भी डिप्रिशिएट करा रहे हो एसेट और लेसर भी डिप्रिशिएट कर रहे हैं एसेट, तो है किसका? स्टैंडर्ड ने कैसे चक्रो में पड़ो है किसका? बस जो हमने तुम्हें कहा है वो देखा था। लेसी 2 सवाल पूछेगा, या एसेट लो वैल्यू है या शॉर्ट टर्म लीज है, और लेसर 5 सवाल पूछेगा और फिर डिसाइड करेगा लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। ओके, सो दैट वाज अ लिटिल ब्यूटी ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स।
जो आई होप होमवर्क के सवाल में आपने डिस्कस कर लिए होंगे अपने आप से, होमवर्क का सवाल पूरा हो गया था। ओके, होमवर्क किस किसने किया था? ओके, जो सोता है वो होता है, मतलब लूज करता है। चलिए, आज हमने एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन पहले ये जो सर चढ़ा हुआ है, लो वैल्यू एसेट, इसको उतार लें। दो तीन लाइनें इसकी रहेगी, फिर हम शुरू करते हैं आज वाली बात। अभी तक हमने कल वाले की रिवीजन की है। खेड़ी जबरदस्त है यार आपकी, तो बड़े रंग रंग बने हुए ऊपर। लो वैल्यू एसेट वो होता है जो एंटिटी खुद अपने पैसों से खरीद सकती है और बाकी एसेट से कोई इसका लिंक नहीं होता, बाकी एसेट से इसका लिंक नहीं होता, यानी इंटर रिलेटेड नहीं है कोई। तो जिसमें ये दो बातें पाई जाएं, उस एसेट को क्या कहेंगे? लो वैल्यू एसेट। जैसे कल हमने बात की थी मोबाइल अपने पैसों से लेसर खरीद सकता है, वो सॉरी लेसी खरीद सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीद ना सके हम लोग। मोबाइल लोग खरीद सकते हैं, लेसी खरीद सकता है, और दूसरा मोबाइल का बाकी एसेट से लिंक भी नहीं है, इस वजह से ये लो वैल्यू है। असेंबलिंग मशीन तो देखने में ही हाई वैल्यू है, तो इसको तो वैसे ही छोड़ें। पेंट मशीन लोग अपने पैसों से खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती है, लेकिन ये किसी और से क्या है? लिंक्ड है, इस वजह से ये लो वैल्यू नहीं है, हालांकि कीमत बड़ी कम लग रही है इसकी। अगली कार तो वैसे ही हमने कह दिया था लो वैल्यू हो ही नहीं सकती, लेकिन बहरहाल समझने के लिए एक एग्जांपल की थी, एक कॉन्सेप्ट उसने दिया था। उसने बस कॉन्सेप्ट ये दिया था कि किसी भी चीज की लो वैल्यू या हाई वैल्यू आपने कब देखनी है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं, जो जरा ज्यादा आपको समझने में आसान लगेगी। एक प्लांट है, वो उसकी आज फेयर वैल्यू है 1,20,000, आज फेयर वैल्यू है 1,20,000। वेन न्यू, जब ये न्यू था, तो उस वक्त ये हमें 3 मिलियन का मिला था, लेकिन आज इसकी फेयर वैल्यू क्या हो गई है? अब हमने कंक्लूड करना है कि ये लो वैल्यू है या नहीं। सो इट इज नॉट अ Why? आपने लो वैल्यू एसेट देखते हुए ये नहीं देखना कि वो लो वैल्यू एसेट आज कितने का है, आपने लो वैल्यू एसेट देखते हुए ये देखना है अगर ये न्यू लिया होता जब हमने, उस वक्त ये कितने का था। वेन न्यू, अगर न्यू होता तो कितने का था। ये जरा ज्यादा अच्छी मिसाल है, ये नोट कर लें। क्या करना है, इसी को नीचे करना है, इसको देख ले यार, इसी को नीचे कर। हाँ, ये 25 वाले रूम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और फिर अगले हफ्ते बुध को दोबारा रोएगी। वैसे कैन यू इमेजिन अ वर्स थिंग इन योर लाइफ कि टीचर इज देयर फॉर यू बट यू आर नॉट इन क्लास। कैन यू इमेजिन दिस वर्स्ट एंड वियर्ड थिंग इन योर लाइफ। ये तो बंदे को सोच के होल उठ जाते हैं कि यानी सर आ गए हैं मेरे लिए, सिर्फ सिर्फ मेरे लिए सर आए, और मैं सरकार, इसी को पहुंची हुई सरकार कहेंगे हम। सबके सरों के ऊपर एक ताज हम पहना देंगे, कागज का बना हुआ इंशाल्लाह बनवा लेंगे, पहुंची हुई सरकार उसका नाम रखेंगे और पूरे कॉलेज में उसको घुमाएंगे जिसने बुध को छुट्टी की, पहुंची हुई सरकार। ओके, हाँ जी पढ़ें जी, ये इंग्लिश का फिक्रा। और मेरे तो दिल में ये आ रहा है कि अम्मी अबू को कहते हैं इसको ले ही जाएं बच्चे को, अगर आपको ज्यादा है ना, ईदें शब रातें सब उधर ही इसके साथ मनाया करें, बस पढ़ाई पढ़ी इसकी छुड़वा लें। और कुछ ऐसी हिस्ट्री कायम करके जाएं कि आप अपने बच्चों को अपनी मिसालें दें। बेटा मैंने आज तक कभी क्लास टेस्ट नहीं छोड़ा जिंदगी में, ये और पता है फाइनल पे एक पेपर छोड़ दिया था। अच्छा, ये अजीब लोग हैं, यानी कि आखिरी महीने में जाके डिसाइड कर रहे होते हैं अगस्त में कि सितंबर में मैं ये वाला पेपर दूं या ना दूं।
पूरे 6 महीने झक मारते रहे हो, मैसेज आ रहे होते हैं ये पेपर अब मैं दे दूं या ना दे दूं, ये हालात है मेरे। तो जब पांव में खुद कुल्हाड़ी मारे थे उस वक्त, हो वो लोग ही नहीं आपका आज आ रहे आजकल, कोई कुछ हैं, देर आर सम पीपल माशाल्लाह। ये हमारा वेडनेसडे को इंशाल्लाह रात को 10 बजे इंशाल्लाह IFRS 16 MCQs भाईजान थर्सडे से छुट्टियां हो रही हैं, जाके पढ़ लें। वेडनेसडे को 12 बजे तक आपने अपने आप को पेश किया हुआ है, थर्सडे से छुट्टियां हो रही हैं। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लें, टाइम प्लीज नोट द टाइम, वेडनेसडे 10 PM IFRS 16 MCQs। बस वालों पे इंप्रेशन पड़ेगा। अगर कोई चेंज हुए टाइम की तो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी बुध को। ओके, द असेसमेंट ऑफ एक 50 पे इधर ही कर लेंगे, लेकिन उसमें सारे MCQs नहीं होंगे क्योंकि लीज हमने पूरी पढ़ी नहीं, 15-20 में से कोई 7-8 ही हो सकेंगे, वो बस हल्के फुल्के कर लेंगे। अच्छा, the assessment of whether an asset is considered to be a low value is based on its value when it was new, जब नया लिया था तब कितने का था, it is not at all based at its current value, तो नए की वैल्यू देखनी है क्या होगी। नेक्स्ट, लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास। इधर हमने कहा था क्लास लेके चलेंगे, क्लास ऑफ एसेट, लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास। ओके, आपके पास एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो आपने 9 लाख रुपए का लिया है। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग भी तेज होती है और आपके सारे सिस्टम का डाटा भी आ सकता है, और आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है जो आपने 70,000 का लिया है। अब आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है कि आप इसको लो वैल्यू ना कहें, बल्कि आप इसको लो वैल्यू कह भी नहीं सकते, इतना महंगा है तो आप इसको लो वैल्यू एसेट ना कहें। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंप्यूटर को आप लो वैल्यू कह रहे हो और दूसरा कंप्यूटर लो वैल्यू, इट मींस के हर पूरी क्लास पे एक रूल लगाना जरूरी नहीं है, जहां एक क्लास के अंदर एसेट बाय एसेट रूल डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही क्लास के अंदर एसेट बाय एसेट रूल डिफरेंट हो सकते हैं, लिमिट नहीं है अनलकीली। इसलिए आईकैप इस लेवल पे इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा इतनी ज्यादा कि आपको जज कराए कि ये लो वैल्यू है या नहीं है, तो वो नाम दे देते हैं, उन नामों से पता चल जाता है बंदे को। ये नोट कर, शॉर्ट टर्म लीज में क्लास में जाना है यानी क्लास वाइज देखना है, और लो वैल्यू एसेट में क्लास वाइज नहीं देखना, एसेट वाइज देखना है, ये फर्क। नोट कर, ये कौन सा पॉइंट है, 3 जी जी, हाँ जी, जब नया था उसको देखना है, उस टाइम जब नहीं जब कभी नया था, जिस वक्त नया आया था मार्केट में तो नया कितने का था, उस टाइम की मार्केट वैल्यू, सही कह रहे हो। हजारों साल, चलें जी, और अच्छा दूसरी क्लास का मे बी हमारा कुछ प्लान शायद इस तरह भी हो सकता है, देयर इज अ हाई चांस। ओके चलें जी, नहीं फिर क्लोज ही करेंगे, मैं मुझे यही लग रहा है 90% चांस यही होगा जो मैंने आपको लिख के दिया, अगर 3:30 पे शुरू हो जाती है। लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास, तो लीज बाय लीज का मतलब लिख लें एसेट बाय एसेट, एसेट बाय एसेट बेसिस रादर देन क्लास ऑफ एसेट्स। पॉइंट नंबर फोर Okay, but it's not.
खजूर और पानी साथ लाइएगा आप हजरात, रास्ते में कहीं रोकना ना पड़ जाए आपको जाते हुए। बस रुकवा कीजिए, इफ्तारी का टाइम हो गया मेरी। सब लीज हमारे सिलेबस में नहीं है। सब लीज होता है लीज पे दी हुई चीज को लीज पे दे दिया, और ये सब लीज आप लोग करते हैं, और ये अच्छी बात है भी नहीं कि दोस्त से बाइक लेते हैं आगे अपने अगले किसी दोस्त को दे देते हैं। यानी आप लेते अपने लिए हैं और फिर आगे किसी और को, वो कहते हैं भाई जान मेरी बाइक उसके पास, ओ हो सॉरी मैंने तो आगे किसी को दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ लेसर, मिसाल के तौर पर एमसीबी बैंक इज अ लेसी। अब बात मैं करने लगा हूं मोबाइल्स की। मोबाइल्स डॉलर्स को अपने, मिसाल के तौर पर डॉलर्स को कुछ मोबाइल्स की जरूरत थी, तो डॉलर्स को कुछ मोबाइल्स की जरूरत थी। डॉलर्स गया एमसीबी बैंक के पास, एमसीबी बैंक ने कहा आप परेशान ना हो आपको मोबाइल मिल जाएंगे। अब एमसीबी को बताना जरूरी नहीं कि मैं कहां से लाया हूं मोबाइल। एमसीबी गया स्टेट बैंक के पास, उससे लीज पे लिया मोबाइल और लीज पे लेके अपने पास रख लिया, और फिर लीज पे ली हुई चीज को आगे किस पे दे दिया, सब लीज पे। अभी इधर आए, कंक्लूजन की तरफ ना जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हमारे कॉलेज वाले गए, और कॉलेज वालों ने जाके कहा कि भाई जान हमें कुछ मोबाइल लीज पे चाहिए। ये फिर आगे सब लीज नहीं किए, बल्कि एम्प्लॉयज को उनके यूज के लिए दे दिए। नहीं लीज भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस एम्प्लॉयज को उनके यूज के लिए दे दिए। एम्प्लॉयज से किराया ले रहे होंगे, मेरा नहीं ख्याल किराया ले रहे होंगे। एम्प्लॉयज एक मार्केटिंग का स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, उसको मोबाइल की जरूरत थी, सबको मोबाइल कॉलेज वालों ने दे दिए। तो अब आप मुझे बता दें कहां सब लीज हो रही है, कहां सब लीज नहीं हो रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसको लीज पे दिए, एमसीबी को। एमसीबी ने आगे किसको लीज पे दे दिए, डॉलर्स को। डॉलर्स वाले किराया देंगे एमसीबी को, एमसीबी वाले किराया देंगे स्टेट बैंक ने लीज पे दिए मोबाइल कॉलेज वालों को। कॉलेज वालों ने आगे लीज पे नहीं दिए, कॉलेज वालों ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, और अपने एम्प्लॉयज को बुलाया कहा भाई ये मोबाइल है इसको ध्यान से रखना, ये कॉलेज का मोबाइल है हम आपको दे रहे हैं, तो ये आप अपने दफ्तर के कामों में इस्तेमाल कर लेगा ना। अब एम्प्लॉयज कोई किराया देंगे कॉलेज वालों को, नहीं। अब ऐसी सूरत में मोबाइल की लीज हो रही है किससे, किसकी तरफ मोबाइल की लीज हो रही है, मोबाइल की लीज हो रही है लेसर से लेसी की तरफ। अब लेसी क्या कहेगा कि मेरे लिए मोबाइल क्या है, बोले लेसी क्या कहेगा मेरे लिए मोबाइल क्या है। स्टैंडर्ड कहता है ठीक है बिल्कुल, आपने लो वैल्यू एसेट की। क्या स्टैंडर्ड ने सवाल पूछा कॉलेज वालों, बात डिस्कशन हमारी उसकी हो रही है जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, उसकी बुक्स में मैं बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड ने कॉलेज वालों से सवाल पूछा क्या आप खुद इस मोबाइल को खरीद सकते थे, कॉलेज वालों ने कहा हाँ खरीद सकते थे, बस ऐसे ही हमने लीज पे ले लिया। तो ये डेफिनेशन है लो वैल्यू एसेट की, तो इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए क्या है, लो वैल्यू एसेट। एमसीबी वालों से पूछा आप खुद लीज पे, आप खुद खरीद सकते थे इन मोबाइल्स को, हाँ खरीद सकते थे लेकिन हमने किस पे ले लिया। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं आपने तो इससे आगे इनकम कमाना शुरू कर दिया, कॉलेज वाले तो इससे आगे इनकम नहीं कमा रहे, इसको तो अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, आपने तो इससे आगे सब लीज की। सब लीज अगर कर दें आप तो फिर ये वाला जो आपने लीज कराई हुई है इट विल नॉट बी अ लो वैल्यू एसेट। तो असल में आप किस लीज को कहा जा रहा है नॉट अ लो वैल्यू, इस लीज को, ना 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 सब लीज तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। प्लीज इट इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट लीज, इट इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट लीज। और ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली, बोले 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 बोले, इट इज अ लो वैल्यू एसेट लीज। क्यों, उधर लेसी उसको सबलीज कर रहे इस वजह से, इधर लेसी उसको सबलीज नहीं कर रहा इस वजह से। अब नोट कर लो, जी एक मिनट, जी अब पूछ लो। डॉलर्स की तो डिस्कशन हमने करनी ही नहीं, सब लीज तो हमारे सिलेबस में नहीं। प्लीज डॉलर्स की डिस्कशन नहीं करें, प्लीज डिस्कशन सिर्फ एमसीबी बैंक और क्रिश्चियन कॉलेज की है। फर्स्ट स्टेप सेम है, लेकिन देखना यह कि इसने आगे किया क्या, व्हाट ही डिड, इसने आगे सब लीज कर दिया, इसलिए इसको पकड़ लो, ये वाली लीज को लो वैल्यू खत्म कर। जब तक नहीं किया तो लो वैल्यू कर सकते हो। जी नहीं नहीं नहीं, इंटरलिंक तो मशीनरी और प्लांट वगैरह में होते हैं, मोबाइल तो नहीं इंटरलिंक होते। मोबाइल नहीं, लैंडलाइन यूज कर लें, इंटरनेट ईमेल कर दें, कोई और फैसिलिटी यूज कर लें।
किसने उठाया? किसने उठाया? खुद ही उठाया? मुझे पता लग, तू जाए नींद पूरी की रात को मुझे लग रहा है क्यों इतना ना पढ़ा करो यार, इतना पढ़ा करो, इतना हर वक्त पढ़ते रहते हो यार, सो भी जाया करो कभी थोड़ा सा। जी लेसी सबलीज कर दे तो गड़बड़ है, और अगर लेसी सबलीज ना करे तो बद कर। वैसे तो वो तो बात अलग है ना। वैसे बताते हैं लो वाली असर क्या होता है, तो उन्होंने जनरल सवाल पूछा लो वाली असर क्या होता है, जो असर आप खुद खरीद सकते थे लेकिन फिर भी आपने लीज पे ले लिया। पढ़ें जी आखिरी चीज पॉइंट फोर, इन केस एमसीबी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट टू डॉलेंस, इनकेस एमसीबी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट टू डॉलेंस, द एमसीबी मे नेवर अकाउंट फॉर, इधर देखो, मे नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज। हेड लीज किससे हुई हुई है? ऊपर वाली हेड लीज, हेड ऊपर, हेड ऊपर वाली लीज किससे हुई हुई है? स्टेट बैंक से। नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज विद स्टेट बैंक एज लो वैल्यू एसेट, इसको लो वैल्यू एसेट ना लो। दैट इज द हेड लीज विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट। हेड लीज बैलेंस शीट पे कैसे आएगी? ऑब्वियसली आप आरओयू वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है रेंट एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं आता, लेकिन क्या बैलेंस शीट में आता है? आरओयू और इसको काट देंगे अगली लाइन तो ऐसे ही बस जरा एम्फेसिस के लिए इंग्लिश में थोड़ा फिक्रे की खूबसूरती के लिए इसने लिखी हुई है। आप तसल्ली से समझिएगा, मैं लेसी हूं, मैंने मोबाइल लीज पे लिए हैं, अगर मैं आगे लीज पे दे दूं तो फिर जो मैंने ऊपर से मोबाइल लीज पे लिए थे स्टेट बैंक से वो लो वैल्यू एसेट? अगर लो वैल्यू एसेट नहीं है तो फिर अकाउंटिंग सोचे कौन सी होगी? जल्दी जरा सोचें, अगर लो वैल्यू एसेट नहीं है तो अकाउंटिंग सोचे कौन सी होगी? अकाउंटिंग आरओयू और लीज लाइबिलिटी। ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है एम्फेसिस के लिए कि यहां आरओयू आएगा और लीज लाइबिलिटीज वाली अकाउंटिंग होगी, और यहां पर रेंट एक्सपेंस आएगा। यही फर्क पड़ा था ना लो वैल्यू एसेट और दूसरे में। चलें, इट्स ओवर नाउ एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ टुडे इज गोइंग टू स्टार्ट, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव नाउ, वी आर गोइंग टुवर्ड्स। अच्छा ये वो कल वाला देख लें जो डायग्राम मैंने अपलोड की थी, वो डायग्राम जो अपलोड हुई थी उसको देख लें एक दफा, और इसको अच्छे तरीके से घर जाके ना तीन चार दफा दोहरा भी लें। ये वाली अपलोड की थी कल, इसमें मेरे ख्याल से कल हमने जाते जाते ये वाली साइड नहीं देखी थी। लेसर भाई इधर मुराकबे से बाहर आओ, लेसर या लीज को फाइनेंस कहते हैं या लीज को ऑपरेटिंग कहते हैं। फाइनेंस लीज में एसेट किताबों में नहीं होता, ऑपरेटिंग लीज में एसेट किताबों में होता है। अच्छा पुरानी अकाउंटिंग क्या थी? लेक्चर 102, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल। शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में क्या नजर आते हैं पीएनएल में? कल की हमने जो क्लास पढ़ी थी रेंट एक्सपेंस, लैपटॉप के केस में किया था रेंट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में क्या नजर आते हैं? रेंट पेबल या प्रीपेड रेंट। और जनरल एंट्रीज करते हुए एक नोट डालना है, फॉर रेंट पेबल एंड रेंट प्रीपेड आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेबल। तो ये था जी सारी अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसकी समरी। अब एक और डिस्कशन है इंशाल्लाह, वो फिर अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ये पॉज आएगा ईद की छुट्टियों की वजह से, और अच्छी बात है जरा एक लीज दोबारा चल पड़ेगी सारी। तो इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन है कि लेसर ने कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करना है, लेसी ने कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करना है। कभी लिखा होता है इंप्लिसिट रेट, कभी पढ़े इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट किसी होमवर्क के सवाल में? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का लफ्ज किसने पढ़ा होमवर्क के सवाल में कभी? तो बस ये रेट्स हैं दो तीन, इनको भी जरा देखना है, एक मार्केट रेट भी होता है, तो ये दो तीन रेट्स हैं इनकी भी डिस्कशन है। तो बहरहाल अब हम आज वाली अपनी नॉर्मल डिस्कशन रिज्यूम करते हैं।
हाँ जी, एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी शुरू होने लगी है। डेट इज अबाउट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स, डेट इज अबाउट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार। पुराने जमाने में बैंक्स गाड़ियां लीज पे देते थे और लीजिंग कंपनीज गाड़ियां लीज पे देती थी। नए जमाने में जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने सोचा कि कस्टमर बैंक के पास जाता है गाड़ी लीज पे लेने के लिए, तो हमारे पास ही आ जाया करें। अब होगा क्या, थिंक ऑफ इट। मिसाल के तौर पे ये है होंडा एटलस कार, और होंडा एटलस कार वाले जो है वो बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर गाड़ियां। जब होंडा एटलस कार वाले अपनी फैक्ट्री के अंदर गाड़ियां बना रहे हैं, तो इन्होंने गाड़ी बनाई, गाड़ी बनाई, ये वाली गाड़ी कर लें, इन्होंने गाड़ी बनाई, कॉस्ट पता नहीं कितने की, वो मैं नहीं बता रहा। इन्होंने गाड़ी जो है वो बेचनी है मिसाल के तौर पर 45 लाख की, 4.5 मिलियन की, 45 लाख की इन्होंने गाड़ी बेचनी है। बिलावल गया, उसने 45 लाख जेब से निकाले, गाड़ी लेके शू शॉ पॉप निकल गया। इसी तरह अगला बंदा गया, कोई इंजमामुल हक साहब गए, गाड़ी निकाली छू पॉप, 45 लाख देके गाड़ी निकाल के चले। कोई और बंदा गया, मिसाल के तौर पर शेख रशीद भाई गए, तो शेख रशीद भाई ने कहा यार ये नहीं यार, इसकी ना चुप चुप, इसकी इसकी किस्तें बना दो, इसकी क्या बना दो, किस्तें बना दो, मैं 45 लाख इकट्ठा पे नहीं करूंगा, इसकी क्या बना दो, किस्तें बना दो। हमने शेख रशीद को कहा कि जी भाईजान फिर आपके लिए जो है ना ये गाड़ी 5300000। अब लेसर, आपको पता है इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें डाउन पेमेंट होती है और रेंटल्स होते हैं और जीआरवी वगैरह का डाटा होता है। इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मुश्किल सा नाम है, आसान सा नाम भी मैं रख देता हूं, रेंटल्स। मुझे पता है यहां डाउन पेमेंट भी आती है, यहां जीआरवी भी आती है, वो बाकी सारी चीजें भी आती हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो रेंटल्स, ये रेंटल्स बना दिए। अब सवाल ये राइज होगा कि जो होंडा वाले हैं कैश सेल कितने की कर रहे हैं। अगर कोई बंदा पैसे ले आता है, इसे कहते हैं कैश सेल प्राइस, कैश पे कितने की गाड़ी बेच रहे हैं, 45 लाख की। लेकिन अगर बंदा कहता है मुझे किस्तें बना दो, तो फिर तो तुम लोगों ने लीजिंग कंपनी वाला काम शुरू कर दिया। ओ, 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 तुम लोगों ने लीजिंग कंपनी वाला काम शुरू कर दिया। तुम्हारा तो काम था बना के बेचना, तुम्हारा तो काम था बना के बेचना, तुमने बना के बेचा, बेच के उसके बाद किस्तों पे भी बेचना शुरू कर दिया। तुम क्या क्या कर रहे हो, अगर तो तुम बना के बेच रहे होते तो लोग तुम्हें कहते थे मैन्युफैक्चरर, लेकिन तुम बना के बेचने के साथ साथ लीज पे भी गाड़ियां दे रहे हो, तो तुम्हारा नाम लोगों ने रख दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर लेसर। ओह माय गॉड, अली क्या बात है। तो बाल कितने दिन के उड़े हुए हैं, तो तुम्हारा नाम क्या रख दिया लोगों ने। अच्छा मुझे बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होगी कि अगर पैसे लेके जाए तो गाड़ी कितने की मिल जाती है, लेकिन अगर पैसे ना लेके जाए 4-5 सालों में किस्तों पे लें, तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होगी। एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी होंडा एटलस कार के अकाउंटेंट को, जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, मुझे आपको नहीं पता होगा उसका। और बल्कि होंडा वाले बताते भी नहीं हमें कि उन्होंने गाड़ी बनाई कितने की, क्योंकि हमने गाड़ी बनानी शुरू कर देनी है, फिर पता चल गया कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। अच्छा हंसी क्यों नहीं निकली तेरी। अच्छा अब आप मुझे बताएं, अब मैं ये कॉस्ट का डेटा दे रहा हूं, डेट इज ए कॉन्फिडेंशियल डेटा, डेट इज ए कॉन्फिडेंशियल, लेकिन आज मैं देने लगा हूं आपको रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह इसने लगाए होंगे और गाड़ी बनाई होगी। तो फर्ज करते हैं इसने जो है वो 4 मिलियन की गाड़ी बनाई, 4 मिलियन, 40 लाख में गाड़ी बनाई, 45 लाख की ये लोग बेचते हैं आमतौर पर अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए। और अगर कोई बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर इसको किस्तों पर 53 लाख की बेच देते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर होंडा गाड़ी बेचता है बिलावल को, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, 5 लाख। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहते थे बचपन में सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये होंडा प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब आप ना सिर्फ जीपी कमा रहे होंगे, बल्कि इंटरेस्ट इनकम भी कमा रहे होंगे। ये तो लेसर का काम है कमाना। अब आप दो इनकम्स कमा रहे होंगे, कितनी इनकम्स, दो, नंबर वन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नंबर टू इंटरेस्ट इनकम। और इंशाल्लाह इस पैटर्न पे रख के ना यहां पे हम स्क्रीनशॉट लेकर लगा देंगे नोट्स के अंदर, ताकि ये आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो आप बता दें इस बंदे का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर तो इसलिए है ना कि इसके पास पूरी फैक्ट्री और गाड़ियां बना रहे, मैन्युफैक्चरर तो इसलिए है,
मैन्युफैक्चरर कितने किस्म की सेल कर रहा है? दो किस्म की, ऑन कैश ऑन लीज। लीज पे भी लोगों को चीजें दे रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और जिनके पास पैसे होते हैं उनको किस पे दे रहे हैं? कैश। ये कौन सा लेसर हो गया बोले? मैन्युफैक्चरर लेसर। एक और लेसर है, उसकी अकाउंटिंग अल्लाह का शुक्र है सेम है, उसकी अकाउंटिंग सेम है, उस लेसर की अब हम डिस्कशन करने लगे हैं। मैं इधर हो जाऊं और थोड़ा इधर। आपके अब्बू जब आपसे पूछते हैं बेटा मैं ये कर लूं, अब आप इसी तरह जवाब देते हैं उनको, या बाहर हो जाओ। अच्छा हमारे तो मेरी बातें दिल पे तो नहीं लगती तेरे यार, लगनी चाहिए यार, लगेगी तो असर होगा ना, अगर दिल पे नहीं लगेगी तो असर कैसे होगा? आप कहते हैं माइंड नहीं करता, मैं है नहीं करता। अच्छा आगे चलें जी, आगे चलें, मिसाल को जरा एक्सपेंड करें, चलते 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 इंशाल्लाह हम एक मिसाल और करने लगे हैं, फिर हम इंशाल्लाह जट तैयारी पे पहुंचेंगे, परेशान नहीं होना आप, आप जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ा लें। अच्छा ये जी गूगल के ऊपर जाके अगर आप लिखें जेल रोड, लाहौर के अंदर जेल, जेल जहन से निकाल दें, जेल रोड लिखे हैं तो जेल रोड के ऊपर गाड़ियों के शोरूम है, कितने लोगों ने देखे हुए हैं? आज कितने लोगों को चक्कर लगवा देंगे आप लोग? भाई ने नहीं देखे हुए, आज चक्कर लगवाओ जेल रोड। तो जेल रोड के ऊपर जो है गाड़ियों के शोरूम है, ये लोग गाड़ियां बना के बेच रहे हैं या खरीद के? खरीद के। होंठ लाइन आज कुछ नहीं होता, ये बना के बेच रहे हैं या खरीद के? खरीद के बेच रहे हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको कि इसने गाड़ी बाहर के मुल्क से खरीदी, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड या परचेज प्राइस? परचेज प्राइस। बनी बनाई गाड़ी खरीदी बाहर के मुल्क से, बाहर के मुल्क से बड़ी बनाई खरीदी। इन लोगों को ना वैसे कार डीलर्स कहते हैं, डीलर्स, इनको कार डीलर्स कहते हैं। ये लोग गाड़ियां बस इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके मुझे आपको बेच देते हैं। कॉस्ट मैं नहीं आपको बता रहा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी डीलरशिप लेके ये काम फिर शुरू कर देना सीए छोड़ के, कॉस्ट नहीं बता रहा मैं आपको। फेयर वैल्यू, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोले 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 बोले, कैश सेल प्राइस। ठीक है, ये लोग जो है गाड़ी जो है वो 90 लाख रुपए की, 1 करोड़ के करीब 90 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो मिसाल के तौर पे कस्टमर को बेचते हैं। कोई भी कस्टमर जाता है उसको 90 लाख की देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर कहता है मैं गरीब, मैं यतीम, मैं मस्कीन, तो ये कहते हैं हम फिर तुझे क्या बना देते हैं? किस्तें बना देते हैं। किस्तें ना, टायर ले जा वहां दोगी हमसे, हम तुझे किस्तें बना देते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल वगैरह, और अगर मिस यूज करके वापस आनी है तो फिर जीआरवी वगैरह भी। ठीक है, तो अब 1 करोड़ रुपया 10 मिलियन ये रेंट रिसीव किया जाएगा। कौन रेंट रिसीव करेगा? डीलर। डीलर अब अगर ये इस चक्कर में पड़ गया तो इस डीलर का नाम क्या बन जाएगा? डीलर लेसर। लेकिन मुझे बताएं क्या इसने बाहर के मुल्क से खरीदी होगी? तो कॉस्ट भी इसकी कुछ ना कुछ होगी, तो वो मैं हिडन सी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख देता हूं कि इसने बाहर के मुल्क से खरीदी थी 7 मिलियन में, 7 मिलियन में इसने खरीदी थी। आप बता दें अगली सारी कहानी जो थी वो क्या बनेगी? अगली सारी कहानी क्या बनेगी? ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट। अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं तो वो 70 लाख वाली गाड़ी उसको तो नहीं बताओगे 70 लाख की है, वो 90 लाख रुपए देके चला जाएगा, ये खुद खुश होगा मैंने 20 लाख रुपए कमा लिया। और अगर कोई बंदा कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर हम इससे इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। आप बताएं डीलर लेसर कितने किस्म की इनकम्स कमाता है, और मैन्युफैक्चरर लेसर भी कितने किस्म की इनकम कमाता है? दो। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन दोनों की अकाउंटिंग, ये दोनों एक ही हैं। तो हम आज के बाद लफ्ज बोला करेंगे या तो मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल आ गया या डीलर लेसर का सवाल आ गया, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। इसके अंदर इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। गाड़ी लेनी है, ये चाचू की गाड़ी भी नजर आ रही है पीछे, छुपा दो नजर लग जाएगी। तुझे पता नहीं है ना? अच्छा चीजों को देख के तो नहीं लोगों की वैल्यू लगाई जाती आज के जमाने में? सीरियसली भाई कह रहे हैं लगानी नहीं चाहिए, लेकिन लगाता हूं मैं। लगाते हैं, हैं लोग, लोग किसी जगह रिश्ता हो तो फौरन करदा की है कि देखो। अच्छा अच्छा कार अपने भाई रोजाना जाते रहते हैं, मैरिज ब्यूरो खोली हुई है। कमांडा किन्ना है?
पर अगर जवाब मिल जाए मुंडा वाले सीए कर रहे हैं ओके पेज नंबर 60 पे ये डेटा दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 60 पे सारा डेटा दिया हुआ है। इसकी डिस्कशन ना करें, बैंक और लीजिंग कंपनी इसको छोड़ें। जी जी क्या कितना कराने बंद तो नहीं, 25-24 पे कर दो यार इसी उधर से आके ये वाला। अच्छा अच्छा मैन्युफैक्चरर लेसर, होंडा ने गाड़ी कितने की बनाई थी? 40 लाख की, 4 लाख उधर गड्डी है, मजाक है इतनी बिंकी है, 40 लाख की गाड़ी बनाई थी। जल्दी करते हैं, ये 18 वाला 25 पीस के विंग्स भी ऊपर कर दें यार, चुप करके बैठा करना। आमाद वो अगली रो वाला कह रहे तूने तो डिस्टर्ब किया हुआ तेरा ड्राइंग रूम है। नहीं इसका नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको इसको 16 में रखें। ठीक ठीक ए भाई भाई ये वाला 16 पे कर दें वापस, वन में मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं मैं फिर बताऊंगा। इसके विंग्स नीचे करें, इसके भी नीचे कर दें। आप लोग ये पढ़ लेना साथ साथ, ऑनलाइन वाले भी एसी सेट कर लें घर में जाके। पानी गिर रहा है यार जबरदस्त, गर्मियों में तो लोग तरस रहे होते हैं, टप टप कतरे ऊपर गिरे, रिलैक्स हो जाए बंदा। रजिस्टर पे गिर रहा है, सो ये तो बातें याद रह जाएंगी, खोलोगे रजिस्टर जबरदस्त किस्म का सफर भी। सो चीजों में एंजॉय किया करो जिंदगी में। अब रात को मस्जिद में सोने लगे थकाव वाले बच्चे गप्पे मारे, अब एंजॉय करो, कोई नहीं करो जाके पेड़ में, कोई तुम्हें शर्म नहीं आती थी, अब वो आ गए बड़ी बात है, तो एंजॉय किया करो जिंदगी को। वो देखो ना 10 दिन के बाल उड़े मैं इसके, ये तो सेट कर लिया कर कभी। अच्छा अब हम मुझे बताएं कि होंडा ने गाड़ी कितने की बनाई, सॉरी बाजार में कितने की बेच सकता है? 45 लाख को सेल प्राइस भी कहेंगे, फेयर वैल्यू भी कहेंगे, लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने आगे रेंटल बना दिया, मिसाल के तौर पे हमने कहा 10 रेंटल बना के दे दो 5,30,000 के, मिसाल के लिए सिर्फ। डीलर लेसर, कार शोरूम ऑन जेल रोड इन लाहौर, 70 लाख की गाड़ी खरीदी, 90 लाख की बेच सकता था लेकिन लीज की वजह से उसने 1 करोड़ की बेची, तो आगे रेंटल सेंटल छोड़े, इन चक्रों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह सवाल में डेटा दिया होगा, ये ऐसे समझने के लिए बनाया हुआ है। चले जी सवाल शुरू करें, पहला एप्पल बी, एप्पल बी हाँ बैंक और लीजिंग कंपनी छोड़ो, वो तो नॉर्मल उसके पास कॉस्ट दी होती है और वो आगे भेज देते हैं, होंडा से जाके खरीदते हैं और आगे दे देते हैं। नहीं सवाल बताएगा एप्पल बी, क्वेश्चन 18 पेज नंबर 89। ये एप्पल बी क्या होता है जरा देखें गूगल में जाके, सेब का बाप, डस्टर देना, डस्टर देना भाई शर्ट उतार के दे दो। अच्छा सॉरी एप्पल बी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, पहला पैरा पढ़ेंगे ना यहां तक तो आप कहेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट हुआ है और सवाल में कमाल कर दिया उसने, कितने जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। पहला पैरा गौर से पढ़ना है, एप्पल बी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, ये मैन्युफैक्चरर है हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का, यानी कि जरई जमीनों के ऊपर जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ये वो बनाता है। तू तो जा, एप्पल बी सेल्स इक्विपमेंट टू फार्मर्स ऑल अराउंड द कंट्री, और पूरे पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बेचता है कि इस पे बैठ के कॉलेज आओ, पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स को बेचता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम तो पैसे दे देंगे, बिलावल, कुछ लोग कहते हैं हम क्या दे देंगे एंड अदर्स, और दूसरे कहते हैं नहीं परचेज अंडर लीज एग्रीमेंट, दूसरे कहते हैं यार हमारे पास पैसे पुसे कोई नहीं, इतने पैसे इकट्ठे तुम्हारी जान ही ले लो फिर, तो इसकी जगह हम किस्तें बना के दे दो तुम्हारा। एक मुर्गा फंसा हैटफील्ड, फार्मर था जो लेसी, एक मुर्गा
परचेज द हार्वेस्टर परचेज द फ्रॉम एप्पलबी. एप्पलबी मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैक्ट्री है, मशीनें हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, सुबह शाम दर 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 मशीनों की आवाजें आ रही होती हैं. हैटफील्ड परचेज अ हार्वेस्टर फ्रॉम एप्पलबी एंड मेड यूज ऑफ देयर फाइनेंस लीज एग्रीमेंट. ऑपरेटिंग लीज भी नहीं, मेड यूज ऑफ देयर. आप मुझे बता दें दो लाइनें जहां से पता चले कि यह सवाल उसका है. एप्पलबी इज अ मैन्युफैक्चरर और फाइनेंस लीज एग्रीमेंट किसने किया है इसके साथ? हैटफील्ड ने. इसका मतलब है क्या वो इसको कैश पे बेच रहा है या वो इसको जो है वो किस्ते बना के दे रहा है? किस्ते बना के दे रहा है. क्लियर? अब मैं आपको 5 मिनट देता हूं, मुझे बताएं पहले लेसर का सवाल कहां से शुरू होता है. वर्किंग वन. सुभान अल्लाह. वर्किंग वन में क्या लिखते हैं आगे? नहीं, लीज पेमेंट नहीं, लेसर का मैं पूछ रहा हूं. क्या लिखते हैं जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. अर्न एंड इंटरेस्ट, ठीक है. अच्छा, ऊपर मैंने जगह छोड़ी है, मैं बताने लगा हूं. अभी बता दूं अगला टॉपिक क्या है और फिर उसमें क्या चीजें पढ़नी है. थोड़ा सा जरा मौका दूं, थोड़ा सा. अच्छा, लेकिन आप लोगों ने दो चीजें और लिखा करनी है अगर सवाल किसका आ जाए, मैन्युफैक्चरर लेसर का या डीलर लेसर का. दो चीजें आपने ऊपर और लिखा करनी है. कॉस्ट, जैसे अभी वो डीलर के लिए 7 मिलियन थी, और फेयर वैल्यू जैसे अभी वो डीलर के लिए 9 मिलियन थी, और फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसके लिए 1 करोड़ थी, 10 मिलियन थी. ये दो लाइनें ना नहीं ऐड कर देनी आपने किसके फॉर्मूले में जब कभी मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का सवाल आया. सवाल सॉल्व करना है रुपीज इन 1000 में. ये चारों फिगर्स आप मुझे कैलकुलेट कर दें. सवाल सॉल्व करना है रुपीज इन 1000 में. पहले 2 मिनट सवाल पढ़ें. सोचें उसने बनाया कितने का, कैश सेल पे कितने का बेचेगा और किस्तों पे कितने का. हां, शुरू कर देना दूसरा.